हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, शायद आपको याद होगा मैंने आपके साथ कटिंग शेयर की थी। ये देखिए, ये कटिंग शेयर की थी मैंने, चार कटिंग लगाई थी। देखिए, एक ये थी और एक ये थी, एक ये थी, एक ये थी। तो देखिए फ्रेंड्स, दो तो ये शायद सूख गई है, ये सक्सेस नहीं हो पाई है, और दो ये सक्सेस हो गई है। मैंने इसमें नाम नहीं बताया था आपको पहले कि इसका नाम क्या है। इसका नाम है क्रेसुला। ये जड़े प्लांट की ही बड़ी वैरायटी है, और ये एक इंडोर प्लांट है और सुकुलेंट प्लांट है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कटिंग थी मेरी बिगोनिया रेक्स की। मैंने आपको जब लगाई थी तब इसका नाम नहीं बताया था। तो दोस्तों, ये बिगोनिया रेक्स है और ये क्रेसुला है। देखिए, मैंने आपके साथ छोटी से छोटी कटिंग शेयर की थी और ये सक्सेस हो गई है। तो दोस्तों, मैं तो अभी इसको रिपोर्ट नहीं करूँगी, केवल आपको यही दिखाना था। देखिए, इसमें से एक ये नई लीफ निकल रही है, अगर आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा तो। बहुत छोटी सी नई लीफ है, नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और इसी तरह इसमें देखिए, ये भी नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों, इन दोनों प्लांटों को पानी की बहुत ही कम ज़रूरत होती है, और ये एक दोनों के दोनों इंडोर प्लांट हैं। तो दोस्तों, ये मेरी दोनों दोनों सक्सेस हो गई हैं। आप भी इसी तरीके से कटिंग लगाइएगा, हो सकता है आपकी सक्सेस हो जाए। और ये दो मेरी नहीं हो पाई हैं। ये हालांकि मुझे इसका नाम नहीं पता था, लेकिन ये सॉन्ग ऑफ इंडिया की ही वैरायटी थी छोटी। तो दोस्तों, मैं कुछ और थोड़ी सी जब मैं इनको रिपोर्ट करूँगी तब भी मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो देखिए, ये मेरा छोटा सा गार्डन है, मैंने ये क्लांचो लगाया हुआ है इसमें, छोटे से पॉट में ही। ठीक है, और ये रेसिना की ही वैरायटी है, ये मेरा सॉन्ग ऑफ इंडिया है, और ये कोलियस है। ठीक है, ये कोलियस का प्लांट है। आप देखिए कितना बुशी हो गया है। मैं छोटा सा प्लांट लेकर आई थी और ये काफ़ी बड़ा हो गया। देखिए कितना सुंदर प्लांट है, इसकी डार्क ब्राउन कलर की लीव्स हैं। ठीक है, और ये बहुत ही, इसमें भी काफ़ी, ये पौधा काफ़ी कम केयर मांगता है, ज़्यादा केयर नहीं मांगता है। ये स्पाइडर का प्लांट है, छोटी सी मैंने इसको देखी टोकरी में लगाया हुआ है। ये क्लांचो का है, मैंने इसको DIY किया था, ये छोटा सा पॉट बनाया था। ये मेरे सभी मैरी गोल्ड के प्लांट्स हैं, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है इनकी। ये देखिए, ये डाइनथस का है, इसमें देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल आए हुए हैं। ये देखिए, और अभी इसमें और बर्ड आई हुई हैं, अभी और फ्लावर आएंगे। ये देखिए, ये मैरीगोल्ड का है, इसमें भी बर्ड आई हुई है, फ्लावर खिलने वाला है। ये मेरा सिंगोनियम का प्लांट है, छोटे से ही पॉट में बहुत अच्छा चल रहा है, आप देख लीजिए इसको। ये मेरा रोज़ का प्लांट है, आप देख रहे हो इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। अभी देखिए, इसमें मैंने आपको पहले भी गुलाब के बारे में बताया था, इसमें बर्ड आई हुई है, देखिए ये थी, और अभी भी ये बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। देखिए, आप देख सकते हो नई नई ब्रांच आई हुई है इसमें। ये देखिए, ये नई ब्रांच है, और यहाँ भी एक नई ब्रांच निकल रही है। ये देखिए नई ब्रांच है, ये देखिए यहाँ पर निकल रही है, और काफ़ी अच्छे से ग्रोथ हो रहा है। मैंने इसको कुछ भी नहीं दिया है, केवल चाय की पत्ती का पानी ही दिया है, और इसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डाला है। ये मेरा स्नेक प्लांट है, ये डिफनवेलिया का है। देखिए, इसमें भी काफ़ी अच्छी से, अभी ये सूख गया था, लेकिन इसमें से आप देखिए ये ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। एक छोटा सा ये प्लांट है मेरा, मैंने इसमें लगाया हुआ है, इसमें भी ग्रोथ शुरू हो गई है। नई लीफ देख रहे हो, अब नई लीफ निकल रही है। ये भी एक ग्रीनरी सा प्लांट है, ये देखिए, ये ड्रेसिना का प्लांट है, इसमें भी ग्रोथ हो रही है। इसमें मैंने अपराजिता के बीज लगाए हुए हैं, अभी वो नहीं निकले हैं, जब होंगे तो मैं आपको बता दूंगी। ये मेरा सफलेरा का प्लांट है, देखिए कितना सुंदर प्लांट है, और बहुत ही अच्छी सी इसकी ग्रो हो रही है। मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया था, आप देख लीजिए, मैंने इसकी कटिंग भी लगाई हुई है, यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया था, और देखिए तीन जगह से फूटा है, यहाँ से भी स्टार्ट हो गई है, यहाँ से भी, और ये भी। ये कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। ये एक्वापाइन का प्लांट है, देखिए कितना सुंदर प्लांट है। ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे लोटस का फ्लावर हो, आप इसको ऊपर से भी देखिए, बिल्कुल ऐसे ही लोटस की ही शेप में इसी जो है लीव्स निकलती हैं। ये क्लांचो का प्लांट है, इसमें देखिए, इसमें फ्लावर आए हुए हैं, इसमें ऑरेंज कलर के फ्लावर आए हुए हैं।
ये देखिए छोटे छोटे से फ्लावर हैं इसमें। ये मैंने आपके आपके साथ इसकी कटिंग भी शेयर की थी और जब रिपोर्ट किया था तब भी बताया था। ये सिंगोनियम का प्लांट है, काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है ये भी। और ये मोरपंखी का प्लांट है, ये भी काफ़ी अच्छे से ग्रो। मैंने इसकी दो कटिंग लगाई थी, एक ये लगी हुई है और ये लगी हुई है। ये भी देखिए, आप देख रहे हैं आप, ग्रीन ग्रीन है अभी, लेकिन ये सक्सेस हो जाएगी। ये मेरा अजवाइन का प्लांट है, अब इसका सीज़न आ गया है तो अभी अजवाइन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। मैंने इसमें पुदीना लगाया हुआ, पुदीना भी आप देख सकते हो, ये भी ग्रो अच्छे से होने लगा है। मैंने इसमें लकड़ी की राख ऊपर से डाली थी ताकि इसमें कोई फंगस वगैरह ना लगे। ये मेरा गुलदाउदी का प्लांट है, मैंने शेयर किया था आपके साथ। अगले सीज़न में कैसे इसकी मैं कटिंग तैयार करूँगी तब भी मैं बताऊँगी। ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट है, मिर्ची है जिसमें मिर्ची की तरह का फ्लावर आता है और नीचे लटक जाता है। ये मेरा एलोवेरा है, ये मेरा पथरी चट्टा का प्लांट है, काफ़ी अच्छा और बुशी हो गया है। ये मैरीगोल्ड की कटिंग मैंने यहाँ लगा दी थी, ये भी हो गई है मेरी। तो दोस्तों मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आपकी कटिंग कभी वो हो जाए, कोई प्लांट वगैरह टूट जाए वो हो जाए, तो आप उसकी कटिंग को लगा कर देखिए, हो सकता है वो सक्सेस हो जाए। ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहने चाहिए। ये रोजमोस का प्लांट है फुलवाड़ी का, ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट है, काफ़ी अच्छे से देख लिए। मेरे करी पत्ते का प्लांट है, मैंने इसको पिछले सीज़न में लगाया था तब इसकी ग्रोथ नहीं हो पाई थी। अब देखिए अब कितनी अच्छी से ग्रोथ हो रही है इसकी और बहुत ही अच्छा प्लांट हो रहा है। देखिए काफ़ी तेज़ी से ये बढ़ रहा है, देख सकते हैं आप, यहाँ से काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है एकदम से, काफ़ी इसने ग्रोथ पकड़ी है। ये चंपा का प्लांट है, देखिए मैंने इसको भी कटिंग से ग्रो किया था, मैंने छोटी सी कटिंग लगाई थी। अब इसका सीज़न आ गया तो देखिए इसमें तीन ब्रांच निकली है, एक दो तीन, तीनों ब्रांच काफ़ी है और काफ़ी बुशी हो जाएगा ये अभी आने वाले समय में। ये नींबू का प्लांट है, मैंने नींबू का प्लांट लगाया था, ये मेरा छोटा मिनी जड़े प्लांट है, मैंने इसको भी कटिंग से ग्रो किया था, देख लीजिए आप। इसमें देखिए ये नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, यहाँ से देखिए यहाँ से ये नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई। तो आपको कहीं भी अगर ये प्लांट मिलता है तो प्लीज़ आप भी लगाइएगा और लगा के देखिएगा, होती है तो काफ़ी अच्छा लगता है अगर कोई कटिंग हमारी सक्सेस हो जाती है। ये मेरा पर्पल आर्ट है, इसमें भी देखिए काफ़ी अच्छे से मैंने इसको छोटी सी बास्केट में लगाया हुआ है। ये मेरे क्लांचो के प्लांट हैं, मैंने इसमें क्लांचो के लगाए हुए और इसमें भी रोजमोस का प्लांट है, मैंने इसमें तोरी के बीज लगाए थे, अगर वो निकल आएंगे तो मैं ये सब यहाँ से हटा दूँगी। तो दोस्तों कुछ और मेरे प्लांट्स हैं, देखिए आपको मैं दिखा देती हूँ। तीन देखिए, ये मेरा अमरूद का प्लांट है, आप देख रहे हो इसका सीज़न आते ही कैसे इसमें सिर्फ छोटी छोटी सी ब्रांचें निकल गई हैं और चारों तरफ से ये फूटने लगा है, देखिए आप नई नई ब्रांच ली। ये टमाटर का प्लांट है मेरा, ये देखिए इसमें टमाटर आए हुए हैं, ये देख रहे हो टमाटर है। इसमें पहले भी काफ़ी टमाटर आए हुए थे लेकिन जो है बंदर तोड़ कर चले गए थे, यहाँ से देखिए ये सब बंदर जो है सब तोड़ देते हैं। और इसको इस प्लांट को तो काफ़ी नीचे भी झुका दिया था। ये तुलसी है, ये मेरा हाइब्रिड का नींबू का प्लांट है, ये देखिए। और ये मेरा मोगरा का प्लांट है, देखिए मैंने इसको कटिंग किया था, यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ से इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, ये देखिए। ये कुछ मैंने छोटे छोटे से प्लांट लगाए हुए हैं, ये पथरी चट्टा का है, ये क्लांचो का है, ये मैरी गोल्ड है, ये देखिए ये ड्रेसिना है, ये ड्रैगन है और ये क्लांचो है, ये छोटा सा चांदनी का प्लांट है। तो दोस्तों ये था मेरा संडे का ओरियो, तो फिर मिलते हैं छोटे से प्लांट में। देखिए इसमें मैंने ये छोटे से पॉट में लगाया हुआ और इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है, आप देख सकते हो पथरी चट्टा का प्लांट छोटे से ही पॉट में बहुत अच्छे से चल जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।